तो आज मैं फिर से खेल रहा था माइनक्राफ्ट, पर माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड इतना बड़ा क्यों होता है? देखो इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और नेदर भी इतना बड़ा है कि नेदर में भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मोजांग वालों ने सोचना चाहिए और थोड़ा छोटा वर्ल्ड बनाना चाहिए। आप भी ठीक करके देता हूँ। और ये उसके मारते बराबर किधर पहुंच गया मैं, मेरा सब वर्ल्ड किधर गया? छोटा वर्ल्ड बोला तो कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं मिल गया, वर्ल्ड किधर गया मेरा? और ये कैसे रही, एक ही ट्री है? अरे और कुछ है क्या नहीं इधर? अरे चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आईजी गेम्स की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, पर ये अलग ही वर्ल्ड है जिसके अंदर बताया तुम लोग को एक ही ट्री रहेगा और एक ही डर्ट रहेगा, वो डर्ट भी इनफाइनाइट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्री और एक ही डर्ट। तो इसके साथ क्या करना है देखते हैं, तुमको बता देता हूँ। ऊपर अभी क्या इतना बड़ा वर्ल्ड की शिकायत कर रहा था मैं, तो एक छोटे से वर्ल्ड के अंदर फेंक दिया मुझको। अब यही अपने को सर्वाइव करना पड़ेगा, देखते सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। और मुझे कमेंट करके बताना है सीरीज आगे स्टार्ट रखू नहीं रखू। और इसकी ये गेम के अंदर जो भी है सब कुछ सैपलिंग ही है, देखो अगर सैपलिंग मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर ये वर्ल्ड यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक झाड़ है मेरे पास और जो होगा सब ये लकड़ियों से होगा, झाड़ से होगा। देखते फिर भी अभी कितनी लकड़ी मिलती है, तो इससे एकदम आराम से, क्योंकि आखिरी का अगर डर्ट टूटा और मैं नीचे वाइड क्या बोलते उसको, ओ भाई अभी से शुरू हो गए ना क्या बोलते उसको गायब होना। और मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा और ये क्राफ्टिंग टेबल इधर लगाना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा सा भाई मेरी सैपलिंग गिर जाएगी, उससे पहले मुझे फटाफट से स्लैब बनाना पड़ेगा। ओ भाई सब स्लैब बना दिया मैंने और ये इधर लगा दिया, बस तो बस मुझे फटाफट से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि मैं, अरे यार गलत जगह लगा, और मेरी एक भी सैपलिंग नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस इतना ही मोटिव। वो मेरी सैपलिंग नहीं, लकड़ी गिरी नीचे, अरे यार अभी हाथ से तोड़ना पड़ेगा। ओ सैपलिंग मिल गई मुझको, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कब गिरी मिली तो। और ये सैपलिंग वापस से लगा देता हूँ मैं, क्योंकि देखो सैपलिंग ही सब कुछ है गेम के अंदर, और थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म हर जगह से थोड़ा वो गलत ना लग जाए बस। और एक सैपलिंग है, और एक सैपलिंग है, अब इसको कैसे लूँ? पहले इधर एक लगाओ और एक जंप, बस ये सैपलिंग तो मिल गई, सैपलिंग ही सब कुछ है बोला था मैंने, सैपलिंग ही मिल गई। वो बस गलत ना लगे बस, क्योंकि देखो अभी नवी प्लैंक बाकी है मेरे पास, यहाँ से एक तोड़ना पड़ेगा और ये गिरे ना प्लैंक, बस बस नहीं गिरा। अभी वापिस से लगा दो, इधर डट के उस साइड दो हो गए, अब इस साइड भी दो कर देते। ऊपर अभी और एक है शायद सैपलिंग, देखते कितनी सैपलिंग मिलेगी अपने को, तो और नहीं मिली तो क्या करेंगे फिर। अभी एक तो मिल गई, दो मिल गई सैपलिंग, मोर देन इनफ। अब मुझे देखो सैपलिंग का बता देता हूँ क्यों अपने को सैपलिंग चाहिए, तो क्योंकि अब चार सैपलिंग से अपन यहाँ ना सब बताऊंगा, सबर करो जरा, पहले प्लेटफॉर्म एक बार बना लो थोड़ा सा, बस परफेक्ट। इधर से दो, इधर से दो, इधर से दो और इधर से दो, और एक भी नहीं हुआ। तो अभी चांद उस साइड डूब रहे हैं और सूरज इस साइड से निकलेगा। तो ठीक है, इस साइड अपने को एक प्लेटफॉर्म भी बनाने का है, जो कि बाद में अपन बनाएंगे, पर इस साइड जाने के वास्ते एक थोड़ा सा रास्ता बना देता हूँ मैं। और ये सैपलिंग का मैं तुमको यूज़ बता देता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ एक ही डर्ट है जो कि अगर गई तो गई, तो अपने को यहाँ सर्वाइव करना है। तो देखो यहाँ अपन वर्ल्ड के अंदर देखो क्या क्या चीज़ बना सकते हैं अपन इसमें, हर चीज़ बना सकते हैं इसमें। अरे देखो अगर अपने को एक डर्ट को करना है ना, तो अपने को लगेंगे बोन मिल, तो बोन मिल लगेंगे, तो बोन मिल के वास्ते अपने को देखना पड़ेगा भाई, इधर एक फार्म बनाना पड़ेगा, फार्म में बनाएंगे उसके अंदर स्केलेटन स्पॉन होंगे और स्केलेटन से बोन मिल मिलेगा, और सैपलिंग से क्या होता है, सैपलिंग से क्या होएगा, बोन मिल मिलेगा। और ये देखो एक बार डर्ट बन गई, बाद में फिर झाड़ी लकड़ी 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 आए तो चाहिए अपने को, उसके वजह से सैपलिंग बोल रहा था। और एक सैपलिंग गिरी गया और मैं गिरना नहीं चाहता अभी, वैसे भी फर्स्ट नाइट हो गई देखो अपनी, और मैं नीचे नहीं जाना चाहता। और कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको तोड़ता हूँ मैं क्या पता, और दो तीन सैपलिंग मिल जाए तो फिर फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी अपने को। शायद से इधर एक सैपलिंग है, ओ भाई सारे वेस्ट कर दिया मैंने, एक सैपलिंग नहीं मिली, बस एक सैपलिंग मिली है मेरे को। अब वापस इंतज़ार करना पड़ेगा इसको, ट्री को बड़ा होने, अब कितना टाइम लगेगा ट्री बड़ा होने वो भी नहीं पता मुझको, जब तक के वास्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। डायरेक्ट ट्री बड़ा होने के बाद ही मैं तुम लोग से मिलता हूँ। हाँ तो देखो इतनी देर हो गई और ये देखो रात अपनी ख़त्म होने वाली है, पर ये ट्री कुछ बड़ा हो रहा नहीं है अभी, देखो नीचे सूरज भी आ रहा रहेगा किधर ना किधर से, बस थोड़ा सा और चांद बचा है नीचे चले जाने का, और उसके बाद डायरेक्टली अपना सुबह हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही करता हूँ मैं, बाकी देखो झाड़ कब बड़ा होगा मुझे कमेंट करके बता देना कि जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए झाड़, वैसे उसका पार्ट टू जल्दी आएगा, जैसे झाड़ बड़ा हो जाएगा वैसे पार्ट टू आ जाएगा,
क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना है अपने को और काम करना है। वैसे अभी सुबह होने वाली है, थोड़ी देर में देखो मून अच्छी खासी स्पीड से नीचे जा रहा है। मेरा कर्सर को देखो ध्यान से, अभी हवाई तम हिला नहीं रहा वैसे ही, पर मून नीचे नीचे जा रहा है। वैसे शायद से अभी यहाँ से सूरज आएगा, देखते जरा नीचे क्या है। तो नीचे कुछ भी नहीं, नीचे बस अंधेरा है और थोड़े बहुत तारे है बस, बाकी कुछ नहीं। शायद से इधर इतने एरिया के नीचे से जाएगा ना, जब जाके हो जाएगा मे भी, देखते भी क्या होगा तो इसके अंदर आगे। पर ये झाड़ कब बड़ा होगा क्या पता, ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट लगते शायद से, अभी तो 15 मिनट ही हो रहे पर नहीं हुआ, इसलिए वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। तो बस आज के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले सब्सक्राइब करना था आईजेफ को, और बाय बाय।